की ओर। महासमुंद में एक युवक ने प्रशासन से इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगी है। दरअसल एक युवक एनएचएम पद के लिए 4 बार चयनित हो चुका है, लेकिन अभ्यर्थी को अभी तक नियुक्ति नहीं मिली है, जिसके चलते अब युवक ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर इच्छा मृत्यु की मांग की है। इधर मामले में कलेक्टर का कहना है कि चयन प्रक्रिया में गड़बड़ी होने के कारण जांच के बाद भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों के पास कोर्ट का रास्ता है, वो जा सकते हैं, लेकिन यदि कोई खुदकुशी की धमकी भरा पत्र दे रहा है तो उस पर FIR कर कार्रवाई की जाएगी। वहीं अब मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है। पूर्व विधायक डॉक्टर विमल चोपड़ा ने इस पर प्रशासन को घेरा है। संविदा भर्ती में जो ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया जा रहा है, उसी की वजह से हम लोग बात करने आए थे, लेकिन यहाँ पे हमको किसी भी प्रकार की संतुष्टि नहीं मिली है, जिससे मैं खुद सुसाइड करना चाहता हूँ। अगर बोले थे कि एक हफ्ते में सारा प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगा, उसके बाद हम फैसला दे देंगे। एक हफ्ता से 10 दिन हो गया, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, तो आज हम लोग पूछने आए थे, फिर भी हमको कोई संतुष्टि नहीं हुई। कितने ऐसे लोग हैं जिनकी नियुक्तियाँ रुकी हुई है? और सबसे 75 लोग। सर, उसमें मैं ये बोला हूँ कि मेरा ये एक नहीं दो नहीं चार फोर्थ सिलेक्शन है, हर बार ही मेरे को सिलेक्शन होता है लेकिन ज्वाइनिंग नहीं दिया जाता है। इसमें जो प्राथमिक दृष्टि जो है, इसमें हम FIR दर्ज करने की कार्रवाई कर देंगे, क्योंकि नियम अगर देखते हैं कि कोई भी सुसाइड करने की इस तरह की धमकी या कुछ देता है तो उसमें प्रावधानों के तहत FIR दर्ज करके कार्रवाई कर देंगे। रही बात गलती की, तो उसमें जो भी शिकायत पाई गई थी, उसमें जो भी त्रुटियां हैं वो सही पाई गई थी, और उसमें एक पूरा जांच समिति भी गठित की थी। अगर इसमें किसी को जांच समिति के प्रतिवेदन पे या चयन समिति के कार्रवाई पे अगर इसको किसी को गलत लग रहा है, तो पूरा लोकशाही देश है, यहाँ पे सभी अवेन्यूज और उनको रास्ते खुले हैं। महासमुंद जिला अस्पताल में 75 स्वास्थ्य कर्मियों की संविदा नियुक्ति होने है। चयन सूची जारी हो चुकी है, सिर्फ उनको कॉल लेटर जाना था, लेकिन विधायकों की आपत्ति के कारण इन 75 लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और पिछले 3 महीने से ये नियुक्ति पत्र लेने के लिए भटक रहे हैं, लेकिन कहीं से इनको संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं मिल रहा है कि इनकी नियुक्ति होगी कि नहीं होगी। तो दादागिरी है, और कुछ लोग इसमें राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, क्योंकि जो प्रक्रिया के अनुसार भर्ती होनी थी उसमें बाकी और जो बच्चे थे वो आपत्ति किए कि जो गलत हुआ है करके, तो उसमें हमने सीखा, उसमें एक मेंशन किया कि भर्ती प्रक्रिया में कुछ गलतियां हुई हैं, उसमें जांच की जाए करके। जांच में सही पाया गया तभी तो उसमें रिजेक्शन हो रहे हैं, और अगर सही है तो बिल्कुल जाए अपील करे और सिलेक्शन होगा। हम तो छतरपुर में कांग्रेस प्रदेश